तो गाइस आप देख रहे हैं इधर में कुछ बंदर बैठे हैं, और ये जो है यहाँ पे हमें कुआं दिखाई दी। यहाँ पे मैं जब गाड़ी से ट्रैवल कर रहा था तो मुझे कुआं दिखी, कुएं के पास में ये कुंड दिखा, इसके अंदर पानी रहता है। तो गंदा हुआ पानी था, तो मैंने एक बकेट पानी यहाँ से निकाला और ये यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि ये जो बंदर है ये वाला पानी पी सके। देखते हैं, अभी इंतज़ार करते हैं, फिर पानी निकाल देते हैं इनके लिए। और तो गाइज अभी मैं यहाँ पे 2-3 बकेट और पानी डाल देता हूँ ताकि ये जो बंदर है इस पानी को पी सके, क्योंकि गर्मी के दिन है और पानी जिधर उधर है नहीं, और यहाँ से पानी निकालना और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ताकि इनकी जो प्यास है वो बुझ सके। और ऐसे गर्मी के दिनों के अंदर में जानवरों के लिए पानी ज़रूर रखिएगा। अगर आप भी अपने घर में अगर ऐसे कोई कुंड है तो वहाँ पर भी रखते जाइए, ताकि ये जो जानवर है जिनमें जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है उनको हर जगह पर पानी नहीं मिल पाता। तो गाइज मैं और यहाँ पे डाल देता हूँ बकेट, इसको फुल कर देते क्योंकि वहाँ पे उनकी जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा है, और जैसे मैं यहाँ से हटूँगा वैसे सारे बंदर आएंगे और यहाँ पे पानी पीएंगे, यही मैं यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ। तो गाइज इस कुंड को हमने भर दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर है इसके लिए, ये जो बंदर है यहाँ पे आएंगे नहीं, तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं ताकि बंदर यहाँ पे आ जाए और पानी पी ले। जैसे हम लोग यहाँ से साइड में जाएंगे तो बंदर आ जाएंगे और पानी पीना चालू कर देंगे। और गाइज आप भी ऐसे काम जरूर कीजिएगा, गर्मी के दिन है बहुत ज़्यादा, हर किसी को प्यास लगती है, हर जानवर को प्यास लगती है, इसलिए ये जो जानवर है उनके लिए पानी जरूर रखिए। या चिड़िया हो गई है, बंदर हो गया, या फिर गाय वगैरह होती है जो घूमती रहती है तो उनको प्यास लगती है, इसलिए उनके लिए भी पानी जरूर रखिएगा। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है ताकि आपके अंदर में जो जानवरों के प्रति जो दया है वो बनी रहे। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से थोड़े दूर जाते हैं ताकि वो बंदर यहाँ पे आकर पानी पी सके। हमने इस कुंड को भर दिया है, जैसे भी खाली हो जाएगा तो हम फिर से भर देंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं बंदर जो है, हम जैसे भी वहाँ से निकले तो बंदर यहाँ पे पानी पीने के लिए आ चुके हैं, इस साइड से भी आ चुके हैं, बस इस साइड से आना बाकी है। आप देख सकते हैं इनको कितनी गहरी प्यास लगी है। तो गाइज देखा आपने, हमारे यहाँ पे जो बंदर है उनकी संख्या यहाँ पे बढ़ रही है, हमने उनके लिए पीने के लिए पानी निकाला था, धीरे धीरे वहाँ पे बंदर जा रहे हैं, इधर से भी बंदर आए हैं और इधर से भी आए हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा मुझे देख यानी आप सभी को देखने को मिल रहा है। और गाइज ये दया भाव आप अपने मन में जरूर रखिएगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक इंस्पिरेशन मिलेगी, आप भी जानवरों के लिए काम करते रहेंगे। तो गाइज ऐसा दया भाव, इसके लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर किसी के मन में ऐसा दया भाव आए और ऐसा काम करने का मौका मिले, तो जरूर कीजिएगा। तो गाइज ये बंदर इन पेड़ों के ऊपर में बैठे हैं, और हमारी गाड़ी ये है, मैं रास्ते से चलते हुए आ रहा था और मैंने उस कुंड के अंदर में पानी इतना भर दिया है कि अभी सभी बंदर वहाँ पे आकर पानी पी रहे हैं। ये बहुत प्यासे थे और प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म का काम है। और गाइज आप भी अच्छे काम करते रहिए। चलो अभी उन्होंने पानी पीकर वो जा रहे हैं, और भी वहाँ पर वहाँ का पानी ख़त्म हो जाएगा तो हम आ जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे। तो गाइज हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं ताकि जो है बंदरों को पानी पीने में आसानी हो और वो बेझिझक आए और पानी पिए। देखिए ये एक बंदर पानी पीने के लिए जा रहा है, आप देख सकते हैं। बड़ी खुशी होती है अगर किसी भी जानवर की मदद करे तो।